वो नाग मैं कयामत में एक राजा भगवान अब मध्य भारत में, वह भगवान मशीन का एक महान भक्त था। एक दिन देखने की प्रबल इच्छा थी, जब डीकन दरबार में आया था और ट्यूरिन और विष्णु को पुरुष मॉडल के रूप में उनके वास्तविक रूप में पूजा की गई थी। राजा ने तुरंत प्रधान पुजारी भाई विद्यापति को एला मातो की तलाश में उड़ीसा जाने का आदेश दिया। संपन्न समृद्ध परंपरा के साथ थकाऊ यात्रा के बाद उन्होंने आदिवासी मुखिया विश्व बेसल को गुप्त रूप से गार्डिंग विभाग पाया। उन्हें संभवतः पूजा की जगह दिखाने वाले शो की आवश्यकता थी और अत्रिबल सरदार ने मना कर दिया था। गांव में रहने के बाद अंततः उसे विश्वास की बेटी से प्यार हो गया, शादी कर ली। विद्या ने अपनी पत्नी को अपनी बेटी के जिद पर नीलम मां की सिर्फ एक झलक के लिए अपने ससुर को समझाने के लिए राजी किया, लेकिन एक शर्त पर, शरीर को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा, लेकिन अपने शरीर के साथ आदिवासी सरदार को मात देने में कामयाब रहे। एक बार आंखों पर पट्टी हटाने के बाद इन गुप्त गुफा में पहुंचने पर राजा के साथ वापस जाने के लिए राय के दानों को छोड़ दिया। राबिया शरीर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी मां की सबसे शानदार छवि को देखने के लिए राबिया अपने राजा को बताने के लिए वापस चली गई, जो एक बार अपने प्रिय की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जब राजा ने सिखाया कि शरीर के साथ जन्म दिया, तो उसने पाया कि नीला माधव गायब हो गया था। राजा तबाह हो गया था, लेकिन उसे एक दिव्य दृष्टि मिली कि उसे पुरी जाना चाहिए और भोजन का सुनिश्चित अनलॉक लेना चाहिए, जो कि लहरों पर तैर रहा होगा। खीर के किनारे पर वह उसे महल में ले आया ताकि उससे बड़ी चुनौती का सामना किया जा सके और कोई भी उस कठोर लकड़ी को नहीं तराश सकता था। चूंकि किसी ने भी मिशन को नहीं देखा था, इसलिए कोई भी उसकी समानता में आकृति को तराश नहीं सकता था। जब विश्वकर्मा को निष्पादित करना असंभव हो रहा था, देवताओं के कारीगर दिखाई दिए। एक पुराने कालीन की आड़ में राजा को विश्वास हो गया कि वह इस शर्त पर मूर्तियों को तराश सकता है कि नहीं, उसे 21 दिनों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। राजा ने 15वें दिन के बाद रानी क्रूविनवासन के लिए तुरंत सहमति व्यक्त की और राजा को वहां का दरवाजा खोलने के लिए राजी किया। उसने देखा कि बड़ाई गायब हो गया था, केवल लकड़ी की छवियों को अधूरा रूप में छोड़ने के लिए, और यह माना जाता है कि उसी रूप का ये प्रतिष्ठित लकड़ी की मूर्तियां पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में रखी गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।